शिरोमणि अकाली दल में टकसाली नेताओं की नाराजगी का फायदा गोविंद सिंह लोंगोवाल को मिला और एसजीपीसी के चुनाव में उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की। पार्टी में मची सियासी उलझन के बीच सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर लोंगोवाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें एसजीपीसी का प्रधान चुना है। शिरोमणि कमेटी की पूर्व प्रधान जागीर कौर की तरफ से गोविंद सिंह लोंगोवाल का नाम दोबारा प्रधानगी के लिए पेश किया गया था। सब तो पहला मैं धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद करदा श्रोमणी अकाली दल साडी पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी का समुची साडी सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि मैनू फिर दूजी बार जिहड़ा है कौम की सरबोर संस्था है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और इहदा मुख सेवादार होने का मान बख्शे है। सूत्रों के मुताबिक लोंगोवाल का प्रधान बनना पहले से ही तय था। एसजीपीसी सदस्यों द्वारा सुखबीर बादल को अध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद तय माना जा रहा था कि लोंगोवाल के नाम पर मोहर लग जाएगी। एसजीपीसी प्रधानगी की इस पद की दौड़ में पूर्व मंत्री तोता सिंह और माझा से अरविंदर पाल सिंह पखोके भी शामिल थे, लेकिन बागी टकसाली अकालियों को कमजोर करने के लिए सुखबीर ने फिर से लोंगोवाल पर भरोसा जताया। सिख जथेबंदियों को बेनती है कि एको ही स्टेज जिहड़ी है होनी चाहिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, भावें पंजाब सरकार है पंजाब दे सरकार दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी असीं बेनती करांगे और दूजियां पार्टियां दे जिहड़े आगू ने उन्हां नूं भी असीं बेनती करांगे। इस तरह भारत सरकार दे जिहड़े भी आगू ने और उत्थे दे प्राइम मिनिस्टर नूं ते दूजे जिन्ने भी उन्हां दे साथी कैबिनेट मंत्री ने सारिआं नूं असीं बेनती करांगे। गोविंद सिंह लोंगोवाल के अलावा रघुजीत सिंह विर्क को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बिकर सिंह चानो को जूनियर प्रेसिडेंट और गुरबचन सिंह करमूवाल को महासचिव चुना गया। लोंगोवाल चार बार विधायक रह चुके हैं, तीन बार वो शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अकाली सरकार में बतौर मंत्री भी काम कर चुके हैं। गोविंद सिंह लोंगोवाल को सुखबीर सिंह बादल का काफी करीबी और विश्वासपात्र कहा जाता है। एसजीपीसी सिखों की मिनी पार्लियामेंट मानी जाती है और एक बार फिर इस संसद के संचालन का काम गोविंद सिंह लोंगोवाल के हाथों में सौंपा गया है। अब देखना यह होगा कि टकसालनी नेताओं का जो खेमा नाराज चल रहा था उसे एसजीपीसी चीफ कैसे मनाते हैं।